तो मैं आप चलाने जा रहा हूँ विंडोज़ एक्सपी। चलिए वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये विंडोज़ एक्सपी मेरे लैपटॉप में है। बाय, वीडियो देखिए आप, सारे सिस्टम आपको पता चल जाएंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने लैपटॉप मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने विंडोज़ एक्सपी का कैसे चेंज करें। आपको और भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी कि विंडोज़ एक्सपी का नहीं मिलेगा आपको, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ऐसे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने विंडोज़ एक्सपी का कैसे वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना है, तो आप लोग को जाना है सीधे सीधे स्टार्ट बटन पे। आपको यहाँ पे किनारे क्लिक करना है, आपको ये ओपन हो जाएगी। किनारे पे आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आप क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको किनारे मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे हम लोग को डेस्कटॉप पे जाना है। आप डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं मेरा अभी ये वॉलपेपर है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अब मुझे लगाना है दूसरा वॉलपेपर, तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ, तब मैं नीचे बोल गया हूँ। थोड़ा ऊपर जाते हैं और ये वाला लगाते हैं, ये वाला। ये एक्चुअल, ये जो वॉलपेपर आप देख पा रहे हैं एक्चुअल वॉलपेपर है विंडोज एक्सपी का ना, एक्चुअल वॉलपेपर है। या अगर आप विंडोज एक्सपी खरीदेंगे तो आपके सामने यही वॉलपेपर लगा हुआ आएगा। अभी हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग और अपना देखते हैं। तो मैं ये वाला वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ, ये जो है ये ऐसे ये वाला वॉलपेपर। मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, अप्लाई पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अप्लाई ऑफ हो जाएगा, अब मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता और ये यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया। देखिए ये हमारा वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो गया है। देख ऐसे ही आप दूसरे भी वॉलपेपर लगा सकते हैं अपनी गैलरी से। तो और अपने उस पर चेंजेस कैसे करें बताता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, आपको ये ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे, ये आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी मैंने ये क्या किया है, इसे ओपन कर लिया राइट क्लिक करके, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं कहीं भी राइट क्लिक करता हूँ ये ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको जाना है आराम से, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये है साइज मॉडिफाइड ऑटो अरेंज एलियन टू ग्रेड वो डेस्कटॉप आइकन, इससे आप जैसे ऑफ करेंगे देखिए ये देखिए हमारा आ जाएगा रन क्लीमअप विजार्ड। इसका आप नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना। अब देख सकते हैं हमारा फिर ये इसके अंदर का जो वो है पूरा सिस्टम, मतलब पूरा हार्डवेयर जो है इसके अंदर की, पूरे लैपटॉप के अंदर की कहीं कोई भी हो जी ड्राइव, सी ड्राइव, ए ड्राइव, कोई भी हो तो वो आपका क्लीन हो जाएगा। इससे जैसे आप फोन में सिक्योरिटी पे जाके क्लीन अप करते हैं वैसे इसमें भी होगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया नहीं था कि ये जो हमारा यहाँ पे है ये चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चल नहीं रहा था, ये जो मैं सीढ़ी डाली थी मैंने ये चल नहीं रही थी। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, चल नहीं रही थी, ठीक। वही पर मैंने वीडियो कॉल कर दी थी। फिर मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसे चलाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हाँ इस पे आ जाते हैं हम लोग। और फिर देखिए मेरा ऑटोमेटिक ऑन हो गया, देखिए मेरा ऑटोमेटिक ऑन हो गया क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम डाल रखा है कि जैसे ये ड्राइव को मतलब सीडी को देखेगा वैसे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक चलने लगेगा। तो आपके में शायद ऐसा ना हो है ना। मैं बताता हूँ क्या करना है, सबसे पहले मेरा यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और अब मैं जाता हूँ इसके ऑल पे,
और प्रोग्राम पर जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ विंडोज़ मीडिया प्लेयर दिख जाता है, विंडोज़, और एक होता है विंडोज़। सॉरी वो लास्ट में रिंगटोन बज गई थी, लेकिन उसे इग्नोर करना, वीडियो देख लेना टाइम से और शांति से मतलब। और मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी डालूँगा। बाय बाय।